तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त के साथ टीम इंडिया पहुंची हैदराबाद। 12 अक्टूबर को खेला जाएगा सीरीज का आखिरी मुकाबला। भारत इस मैच में बांग्लादेश को हराकर क्लीन स्वीप करना चाहेगा। हैदराबाद में हुआ टीम इंडिया का स्वागत, खिलाड़ियों को देखकर फैंस हुए खुश। राजीव गांधी स्टेडियम में भारत का जीत प्रतिशत 100%। साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था। 11 अक्टूबर से शुरू होंगे रणजी ट्रॉफी के मुकाबले। ग्रुप ए और ग्रुप बी में खेले जाएंगे मैच। पहले दिन मुंबई और बड़ौदा की टीम होगी आमने सामने। नागपुर में होगी विदर्भ और आंध्र प्रदेश के बीच में टक्कर। पिछली सीरीज में मुंबई ने जीता था रणजी ट्रॉफी का खिताब। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई ने विदर्भ को फाइनल में 169 रनों से हराकर 42वां घरेलू खिताब जीता था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया को मिली बैड न्यूज। धाकड़ ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन की होगी पीठ की सर्जरी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया अपडेट, सर्जरी की वजह से बीजीटी नहीं खेल पाएंगे कैमरून ग्रीन। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल और हाई परफॉर्मेंस टीम की निगरानी में कैमरून ग्रीन। 2019 में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था। इससे पहले भी कैमरून ग्रीन को 4 बार फ्रैक्चर हो चुके हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने की सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान से मुंबई में मुलाकात। मुशीर अपने पिता नौशाद खान के साथ आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे थे, रास्ते में हुआ था एक्सीडेंट। रोहित की फोटो मुशीर के बड़े भाई सरफराज ने शेयर की है। रोहित इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कर रहे हैं तैयारी। मुंबई के जियो पार्क में रोहित कर रहे हैं जमकर मेहनत। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान पर मंडराया हार का साया। दूसरी पारी में पाकिस्तान ने गंवाए 6 विकेट। पाकिस्तानी ओपनर सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने किया निराश। पाकिस्तानी कप्तान शाह मसूद ने 11 रन की पारी खेली। दूसरी पारी में फील रहे बाबर आजम। इंग्लिश गेंदबाज एटकिंसन ने 5 रन पर भेजा पेविलियन। पाकिस्तान ने अपने 5 विकेट 60 रन पर गंवाए। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड का सुपरहिट शो। इंग्लैंड ने उड़ाई पाकिस्तानी गेंदबाजों की झड़ियां। पहली पारी में इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर 823 रनों का बनाया विशाल स्कोर, पारी को दिया घोषित। पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड को पाकिस्तान पर 267 रनों की बढ़त। पाकिस्तान के लिए सैम अयूब और नसीम शाह ने लिए 2-2 विकेट। पाकिस्तान ने पहली पारी में खड़ा किया था 556 रनों का स्कोर। मुल्तान टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड के जो रूट ने जड़ा दोहरा शतक। जो रूट ने टेस्ट का सबसे छठा दोहरा शतक, 262 रन बनाकर लौटे पवेलियन। रूट ने सचिन मियादाद के क्लब में मारी एंट्री, लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी। मुल्तान टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी लगाकर इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने तोड़ा वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड। हैरी ने 310 गेंदों पर टेस्ट करियर का पहला 13 शतक पूरा किया। हैरी ब्रूक 317 रन बनाकर आउट। मुल्तान में सहवाग ने खेली थी 309 रन की पारी। जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच 14 विकेट के लिए 454 रनों की पार्टनरशिप हुई। दोनों ने मिलकर 522 गेंदों का सामना किया। टेस्ट में पार्टनरशिप के मामले में चौथे पायदान पर पहुंची रूट ब्रूक की जोड़ी। पाकिस्तान के गेंदबाज अकबर अहमद मुल्तान टेस्ट के दौरान बुखार की चपेट में आए। आनन फानन में मैच के दौरान अस्पताल ले जाया गया। चौथे दिन अबरार अहमद ने नहीं डाली गेंद। पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज हैं अबरार अहमद। 35 ओवर डालने के बाद हुई तबियत खराब। अबरार की जगह पार्ट टाइम स्पिनर सलमान अली, सैम अयूब और सऊद शकील ने डाले ओवर्स। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के 14वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत पाकिस्तान से होगी। यह मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। पिता के निधन की वजह से पाक कप्तान सना फातिमा नहीं खेलेंगे मैच। महान टेनिस खिलाड़ी में से एक राफेल नडाल ने किया संन्यास का ऐलान। नडाल ने एक सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, अपने चाहने वालों को दी रिटायरमेंट की खबर। राफेल नडाल ने आखिरी बार पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था, जहां वो दूसरे दौर में नोवाक जोकोविच से हार गए थे। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन है राफेल नडाल।